पिरामल फाइनेंस ने दिया एमबीसी ग्रुप को 650 करोड़ रुपए से भी अधिक का ऋण। पिरामल फाइनेंस ने आर्थिक सहायता करते हुए डेवलपर एमबीसी ग्रुप का ऋण बढ़ा दिया है। अब वो 650 करोड़ रुपए से भी अधिक का लोन ले सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लगाया आरोप, कहा राबड़ी देवी की बेनामी प्लाट की कीमत 30.9 लाख रुपए है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पास पटना में 30.9 लाख रुपए की बेनामी अचल संपत्ति है। हिंदू धर्म में जन्म लेने वाली महिला शादी के बाद मुस्लिम धर्म अपना लेती है तो क्या वह अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है? हिंदू धर्म में जन्म लेने वाली महिला शादी के बाद मुस्लिम धर्म अपना लेती है तो क्या वह अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है? इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में अपने भाई के खिलाफ महिला ने पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर याचिका दायर की है। आवासीय यूनिट लॉन्च में 32.54% की कमी आई है। अहमदाबाद में रियल इस्टेट कानून लागू न होने के चलते रियल इस्टेट परियोजनाओं में गिरावट आई है। कुशमैन और वेकफील्ड इंडिया रिसर्च सर्विसेज के वरिष्ठ निदेशक सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि अधिकांश डेवलपर्स यह चाहते हैं कि पहले वो परियोजनाओं को रेरा एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करें, उसके बाद ही नई परियोजनाओं को बनाने की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मिलेगा घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल के बजट में 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्कीम में प्रति परिवार आवंटन को दोगुना कर पहले के 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही ओवरऑल एरिया को भी बढ़ाकर 22 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है।